शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोज्जनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रणाम सभी वैद्य लोगों। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए आया हूँ। हमारे गायनिक प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका गर्भाशय जो रहता है बहुत ही छोटा रहता है, उनका कैसे यूटेरिन बड टाइप रहता है, गर्भाशय की वृद्धि नहीं होती है। तो इसमें आयुर्वेद क्या कर सकता है? आयुर्वेद बहुत कुछ कर सकता है, एलोपैथी में तो उसका इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में और रिजल्ट ओरिएंटेड मैं चीजें बता रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस में यूज किया है, सच में फायदा हुआ है। तो इसमें बागभट संहिता में काश्मीरी घृत बताया है, जो स्त्री रोगाधिकार का जो चैप्टर है ना, काश्मीरी घृत 5 पाकी 5 बार सिद्ध किया हुआ, सुबह शाम खाने के बाद देना है। तो इससे ना जो गर्भाशय छोटा रहता है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शतावरी घृत है, खाना खाने के पहले अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर स्तनाशय की पुष्टि कम है, मतलब कभी कभी ब्रेस्ट डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है, तो उसमें क्या देना चाहिए? तो शतावरी घृत खाना खाने के बाद देना चाहिए, तो स्तनाशय ब्रेस्ट डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है। इसी तरह से कुछ कुछ ना, जब गर्भाशय बहुत छोटा है तो फलवर्ती का प्रयोग करते हैं, तो फलवर्ती का बहुत सारे प्रयोग करते हैं। इसी तरह से एक महापैशाचिक घृत आता है, जिन हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि मीनार्के उनको शुरू ही नहीं हुआ, उनका लेट हो रहा है बहुत, मतलब 18 साल हो गया, 20 साल हो गया, मीनार्के शुरू नहीं, मेंसेस शुरू नहीं हुआ। तो ऐसे में अगर हमने महापैशाचिक घृत दिया, क्योंकि उन्माद रोगाधिकार में चरक संहिता में बताया कि ये अंग वर्धनम ऐसे बताया, और प्रैक्टिकली होता है बहुत सारी, जैसे वैद्य रत्नम जैसी कंपनियां हैं, और ये वैद्य रत्नम है, फिर आयुर्वेद्यशाला कुट्टकल, ये महापैशाचिक घृत बनाती है, इनका अगर दे दिया जाए ना तो मेंसेस आने लगते हैं, मीनार्के हो जाता है। इसी तरह से इसमें और क्या दे सकते हैं? तो षडगुण बलिजारित रस सिंदूर है 1 ग्राम, और जो मिश्री होता है 100 ग्राम, इसमें मिक्स करके, मिक्स करने के बाद दो दो रत्ती 250 mg सुबह 250 mg शाम को, सुबह जो है वह खाने के पहले देना है, और शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में देना है, दो दो रत्ती की मात्रा में, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा क्या होता है कि गर्भाशय के आगे देखेंगे और पीछे देखेंगे, तो गर्भाशय का एनाटॉमिकली यूरिनरी ब्लैडर होता है, और पीछे अगर देखेंगे तो रेक्टम और सिगमेंट कोलोन ये सब होता है। तो मतलब पुरुष की, क्योंकि गर्भाशय का ग्रोथ होना या गर्भ का ग्रोथ होना ये इन पे डिपेंड करता है। गर्भ जब पेट में रहता है, माता के गर्भाशय में रहता है, तो उसको हीट मिलना है, तो वह अपने पुरुष से ही मिलता है और मूत्र की गर्मी से ही मिलता है। इसीलिए हमारे सर बताते हैं कि जब गर्भाशय की वृद्धि नहीं हो रही है तो पुरुष का जो भी विकृति है, जैसे पुरुष विरंजनीय गण है, पुरुष संग्रहणीय गण है, वो हमें ठीक दे के पुरुष की विकृति अच्छा करना है, मूत्र की विकृति जो है उसको ठीक करना है, क्योंकि सारा अपान वायु के क्षेत्र में ही वेगावरोधजन्य कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो इसलिए पुरुष की विकृति और मूत्र की विकृति को ठीक कर दिया तो गर्भाशय की वृद्धि होने लगती है। तो ये ना हमारे, मैं जो बता रहा हूँ ये हमारे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से बता रहा हूँ, इसका उपयोग आप लोगों को, सभी लोगों को जरूर होने वाला है। अब मैं एक ही दिन सब चीज नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। तो अभी मैं ना क्या करता हूँ कि आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए, हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। एक बार आप लोग चेक करिए अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या।
मिनट रुके, अनम्यूटेड हो पा रहे क्या आप लोग? एक बार चेक करिए आप लोग अनम्यूटेड हो पा रहे कि नहीं, चैट बॉक्स में लिखिए। मेरे कंप्यूटर में कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो पा रहे। एक मिनट रुकिए, मेरे कंप्यूटर में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, मैं अनम्यूट नहीं कर। एक मिनट में कर रहा हूँ, रुकिए एक मिनट, ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और नीचे जो बटन होता है इसमें कुछ तो आ गया है आइकॉन। मैं कर नहीं पा रहा हूँ, एक मिनट। तो संभाषा कैसे होगा? हाँ एक मिनट, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। जोशी सर को ही बुलाना पड़ेगा। सर जोशी सर आप हैं क्या? प्लीज सर को फोन करिए ना, मैं अनम्यूट कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। प्लीज किसी के पास जोशी सर का नंबर है तो उनको कॉल करिए ना। प्लीज आप लोग अगर सुन पा रहे हैं तो जोशी सर को फोन कर दीजिए, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। मेरे इसमें लैपटॉप में कुछ तो गड़बड़ हो गया है। अनुप्रीता जी मैंने ना आपको को होस्ट बनाया है। अंजना मैम मैं आपको को होस्ट तो बना सकता हूँ, फिर आप अनम्यूट कर दीजिएगा। म्यूट वाला जो बटन है ना उसको अनम्यूट करना है बस। हो रहा है क्या सर? हाँ अभी हो गया, अभी हो गया। चलिए आप लोग अब संभाषण शुरू करिए। अनुप्रीता जी कुछ बोलना चाहती है तो बोलिए प्लीज। हाँ सर, मेरे पास एक केस है, मेरे नेबरहुड में रहते हैं वो, उनका केस डिस्कस करना था सर। हाँ बताइए ना, कर सकते हैं? वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने को बोलिए, मैं ये बना देता हूँ, स्पॉटलाइट कर देता हूँ। अच्छा मैं स्पॉटलाइट करता हूँ जी, कर दिया मैंने स्पॉटलाइट जी। थैंक यू सर। सर ये 45 ईयर के है, मेरे नेबर में रहते हैं, इनका नाम संजय बाल सराफ है। और सर इनका एक्सीडेंट हुआ था दो साल पहले। वो सिर्फ 4 फीट से सीढ़ियों से गिर गए और उनका सर्वाइकल फ्रैक्चर हो गया सर, सर्वाइकल वर्टिब्रा। अच्छा, तो अभी वो उनको कमर के नीचे कुछ भी सेंसेशन नहीं है सर। अच्छा तो ये तो ऐसे केसेस मैंने सॉल्व किए, बहुत सिंपल है ठीक करना जी सर। मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं गारंटी से इनको चला सकता हूँ, 3 महीने में पूरा ठीक हो जाएंगे जी सर। तो क्या कोई ये नर्व कट गया है क्या? नर्व थिकनिंग हो गया है सर, पूरा कटा तो नहीं है लेकिन थिकनिंग हो गया है सर उनका। कभी कभी कॉम्प्रेस्ड हो जाता है, स्टेनोसिस हो जाता है, थिकनिंग हो गया है ना? कॉम्प्रेस भी है, कॉम्प्रेस भी हो गया है सर और थिकनिंग हो गया है। मैं उनके रिपोर्ट शेयर करूं सर? आप शेयर कर दीजिए, आपको ना बस्ती देना पड़ेगा और जो जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा, तो 3 महीने में पूरा ठीक हो जाएंगे। मेडिसिन तो सर आप ही देंगे, आप जो देंगे वही यहाँ पे हम लोग इनको खिलाएंगे, बाकी बस्ती वगैरह मैं यहाँ पे दे दूंगी घर वालों को, लेकिन आपको ये ठीक करना है सर, इसीलिए मैंने अभी यहाँ पे मैं आपको एक नंबर दूंगा। यहाँ पे पुणे से, पुणे के पास में राहू देव करके गांव है, राहू वाल्की गांव है यहाँ पे। तो ऐसे 2005 में काका आए थे मेरे पास, तो उनका ऑपरेशन हुआ था 2 बार, स्पाइन का ऑपरेशन करते करते नर्व कट हो गया,
तो पूरा पैरालाइज हो गए, यूरिन पे भी कंट्रोल नहीं था, स्टूल पे भी नहीं था। तो मैंने 3 महीने में उनको ठीक किया, तो अभी तक वो एकदम ही ओके हो गए। एलोपैथी साइंस भी यूरिन बोल दिया था कि सेंसेशन, नहीं इलाज है इसका। हाँ यूरिन सेंसेशन नहीं है उनको, कैथेटर लगा हुआ है सर, और ये मोशन का भी उनको कुछ समझ में नहीं आता, सेंसेशन नहीं है, कटा हाँ, लेकिन इनका नर्व कटा तो नहीं है, थिकनिंग हुआ है ना, नहीं है सर, तो थिकनिंग ये हुआ है जल्दी सर रिकवर कर जाएंगे। जी। आप इनको एक बार वही पैर मैं में सेंसेशन गुदगुदी करिए या पिन लगा के देखिए ना कि कुछ सेंसेशन है क्या। उनको नहीं होता है सर, कुछ भी नहीं एक तो थोड़ा सा होता। एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, और वो बोलते हैं मेरे आपने, पूरे पैरों में ऐसे झंझनाट जैसे होता है सर, हाँ मैं इनको ठीक कर सकता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ 3 महीने में पूरा ठीक हो जाएंगे। हो मुझे जाएगा ऐसे सर। केसेस, चैलेंजिंग केसेस सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है। एक लड़का मेरे पास आया था दुबई से, उसका दो दो जगह इंजरी हो गया था, दुबई से आया था। उसको तो हाथ भी काम नहीं कर रहा था और पैर भी नहीं काम कर रहे थे, क्वाड्रीप्लेजिया ऐसे हो गया था, और वो मैंने 3 महीने में पूरा ठीक कर दिया। तो ये हो जाएंगे ठीक। इन आप लोगों से इनका बोलिए रेफ, सर, ये लोग ऐसा होता है कि उन्होंने बहुत सारे इलाज किए, तो अभी वो बोल रहे कि होगा नहीं, तो मैं बोली अभी अपने सर से बात कर लेंगे, फिर आप अगर हो रहा हो तो बोल दीजिए, तो आपने तो पहले ही बोल दिया कि ये हो जाएगा पूरा अच्छे से, तो हाँ अच्छा लगा आप सर। रिपोर्ट्स भेज दीजिए, फिर मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। मैं ऐसे नहीं बता सकता ना, रिपोर्ट्स देख के बताऊंगा। ठीक है, इस ये केस में किसी को बोलना है तो बोलिए, किसी का एक्सपीरियंस है तो। डॉक्टर माधुरी जाधव जी, आपका एक्सपीरियंस है क्या? इनके पैरों में जान नहीं है, कुछ सेंसेशन नहीं है। आप लोगों ने ऐसे कुछ केस सॉल्व किया कमर है तो के नीचे बताइए। कुछ नहीं है सर, जी कमर के नीचे नहीं है, यूरिन और स्टूल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। हम नए आयुष दर्पण की तरफ से चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और इनको ठीक करके चला के दिखाएंगे। हम जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च तक ये ठीक हो जाएंगे। 1 अप्रैल को आएंगे और बोलेंगे मैं ठीक हो जी गया। हाँ सर, मैं लेके आऊंगी सर आपके पास। हाँ अच्छा, ये थैंक यू अनम्यूट सर। नहीं हो पा रहे हैं, ये कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। आप क्या करिए, ये जो पार्टिसिपेंट्स वाला है ना रो, उसमें नीचे जाइए और लिखा है म्यूट, म्यूट ऑल, वो करिए, प्रेस करिए, और उसके जी जी ऊपर वहां पे ब्लू है, ब्लू टिक करिए तो हो जाएगा। ब्लू टिक करके ओके करिए। मेरे लैपटॉप में कुछ तो गड़बड़ हो गया है, ये हो नहीं रहा आज, क्या हो गया मेरा। मैं एक काम करता सर, हूँ, हुआ मैं तो हुआ हो सर, रहे हुआ हैं सर, हुआ हो रहे हैं, हुआ हुआ ओ, हुआ अच्छा हो रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का कुछ एक्सपीरियंस है क्या ये केस में, ऐसे केसेस में? मेरा तो नहीं है सर अभी। विन्यासा जी, आपने ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं क्या? अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, हम सब सिखाएंगे आपको। मेरे पास एक बार रिपोर्ट आ जाए तो मैं क्या क्या दवाई दूंगा, कैसे प्रोटोकॉल बताएंगे, बनाएंगे, और हम इनको वैजी चला क्या देंगे। प्रॉब्लम आ रही है सर इसमें? सर आ रही है आवाज, आवाज आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही थी क्या म्यूट अनम्यूट में? मेरे लैपटॉप में कुछ तो वो म्यूट के उधर कुछ तो आइकॉन टाइप आ गया है, तो हो ही नहीं रहा था बहुत देर से, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। मैं आपको फिर से होस्ट बना दूं? हाँ बना दीजिए प्लीज। अभी भी बोल रहे हैं, नो बोल रहे हैं। प्रभात पांडा जी बोले नहीं हो पा रहे, अनम्यूट, एक मिनट, मैं यहां से कर देता हूं, एक मिनट रुक जाइए। सबको अनम्यूट कर दिया जाए। आप मुझे दोबारा से होस्ट बनाइए सर। अच्छा मैं आपको बनाता हूँ। अनुप्रीता शिंदे जी ये पेशेंट लेके आई लग रहा है। हाँ, हाँ इनका सर, ऑपरेशन हुआ था तो इनके लोअर एक्सट्रीमिटीज में सेंसेशन लॉस हो गया मैं पूरा। सबको अनम्यूट कर देता हूँ, बस मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी जो है अपना अपना जब जरूरत पड़े तभी माइक जो है वो अनम्यूट करिएगा। जी मैंने कर दिया, आप सबको अनम्यूट, देखिए। जी हाँ सर, इसमें आप मर्म थेरेपी कुछ बता सकते हैं जी क्या मैंने इनके बताया लिए? था इनको, आज इनका फोन आया था अनुप्रीता जी का, मैंने कहा था इसमें गुल्फ मर्म करिए आप, अनुप्रीता जी गुल्फ मर्म आप जरा करके देखिए, तो जरा करिए, तो गुल्फ कैसे करेंगे आप करके बताइए। हाँ गुल्फ मर्म करिए, मैंने आपको थोड़ा सा पहले उसको ना सामने की तरफ, पैर को सामने की तरफ दबा दीजिए इस प्रकार, हाँ सामने की तरफ, हाँ सीधे ऐसे ऐसे दबा, हाँ और उसका गुल्फ, हाँ और गुल्फ को पकड़, गुल्फ को पकड़िए, थंब लगाइए वहां पे,
नहीं आप ये लेटरल साइड कर रहे हैं, मीडियल मीलियोलस पहले करिए, गड़बड़ हो गया। हाँ मीडियल पे करना, मीडियल पे करिए आप, मीडियल पे वहां पे, मीडियल पे ऐसे करना। इधर देखिए आप, इधर देखिए मैं आपको बताता हूँ, इधर देखिए यूं आपने, मैं यूं आपने ना ऐसे ऐसे आप इस प्लस इंडेक्स फिंगर को सेंसिटिव पार्ट पे आप लगाइए। मैं नहीं दिख रहा हूँ आपको, एक मिनट सर, आप स्पॉटलाइट कर लीजिए खुद को, एक मिनट आप मुझे देखिए, आप इस प्रकार से देखिए, ये ऐसे लगाइए वहां पे, सेंसिटिव पार्ट ढूंढिए, वहां पे सेंसिटिव पार्ट ढूंढिए, देखिए उसके उसके पैर पे सेंसिटिव पार्ट आप ढूंढिए और वहां पे किस प्रकार से लगाना है आप इधर देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको अपने पैरों से, मैं करके दिखाता हूँ, आप ऐसे करना है, देखिए ऐसे, दूसरे तरह से करेंगे तो नहीं होगा, वैसे तो आपने शायद सीखा भी है और आप शायद इसमें क्लासेस में भी रही हैं, फिर भी मैं आपको एक एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपना करके दिखाता हूँ, ऐसे करना है, देखिए एक मिनट रुकिए, वन मिनट जस्ट वेट, क्योंकि उससे एकदम फायदा होगा, बहुत फायदा होता है, गुल्फ मर्म अल्टीमेट है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ करके, मैं दूसरे कैमरे से अपने आप को ला रहा हूँ क्योंकि वो फिर तभी आप देख पाएंगे। प्लीज बाकी लोग अपने माइक को म्यूट रखिएगा, मैंने कैमरा ऑन कर लिया, मैं दूसरे कैमरे से आ रहा हूँ। मैं आपको दिख पा रहा हूँ शायद, मैं स्पॉटलाइट कर लेता हूँ अपने दूसरे कैमरे को, एक मिनट मैं उसको पैर पे फोकस कर रहा हूँ, वन मिनट किसका नंबर है, रेडमी नोट 7 प्रो, माइक को म्यूट रखिए प्लीज, ऐसे माइक म्यूट अनम्यूट मत करके रखिए। ये देखिए ये मेरी, मेरे आपको गुल्फ दिख रहा होगा अनुप्रीता जी, ये देखिए ये मेरी गुल्फ संधि आपको दिख रही होगी, ये आपको चलिए आज वैद्य जी की संभाषा में हम आपको गुल्फ बता देते हैं, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, इसके बारे में कहा जाता है गुल्फे नार सिंघी च पाद पृष्ठे तु तेजसी, तो यहाँ पे ये देखिए दुर्गा सप्तशती में इसके बारे में आता है, पैर को आप थोड़ा सा इस प्रकार से आगे की तरफ इस प्रकार से देखिए अनुप्रीता जी, ऐसे आगे दबाइए उसको थोड़ा सा ना, तो दबाएंगे तो यहाँ पे एक सेंसिटिव पॉइंट होता है, यहाँ पे देखिए सेंसिटिव पॉइंट उनका पल्सेशन करके देखिए, अभी टच होने पे नहीं आ रहा होगा, पर आप जो मैल्यूलस है इससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू अप्रोच, इस जगह पे आपको अप्रोच करना है, सामान्य व्यक्ति में यहाँ पे जब भी आप टच करते हैं तो आपको एक सेंसेशन मिलता है, अब आपने क्या करना है उनके अंगूठे, आप उनके पीछे एड़ी पर आप अंगूठा टिकाएंगे यूं, और इस प्रकार से आप एक इंडेक्स फिंगर से इनसर्कल करेंगे, करिए इनसर्कल करिए इस प्रकार से इनसर्कल करेंगे, और इस प्रकार से आप इनसर्कल करते हुए उस सेंसिटिव पॉइंट को ऊपर की तरफ उठाएंगे, मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको दिखाने का कैसे आप करेंगे, एक मिनट मैं प्रयास कर रहा हूँ, देखिए आप ये देखिए, इधर मैंने इसको अंगूठे को यूं लगाना है, देखिए अंगूठे को यूं लगाना है पीछे, और ये इस प्रकार से आपने इनसर्कल करना है, ये देखिए इनसर्कल करना है, ऐसे इनसर्कल करिए और ऊपर उठाइए इसको, ये ऊपर उठाइए दबाते हुए, इसमें एक स्पार्क होगा और ये स्पार्क ऊपर की तरफ, क्योंकि वो अभी प्लेसमेंट देखिएगा, थंब शुड बी प्लेस्ड, थंब कहाँ पे देखिए, थंब की पोजिशन देखिए आप, ये थंब देखिए पीछे की तरफ है, थंब आपको पीछे रखना है, ये देखिए थंब यहाँ है, और इंडेक्स से इनसर्कल करना है इस प्रकार से, इंडेक्स से आप इस प्रकार से इनसर्कल करते हैं, ये देखिए इस प्रकार से, या आप आगे से भी कर सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, देखिए यहाँ से आपको अच्छी पोजीशन बन रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यू कैन स्टिमुलेट लाइक दिस ऑल्सो, जैसे भी आप करें वहां पे उसको एक सेंसेशन होगा, ये इस प्रकार से खट 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 की आवाज आएगी, कस के ताकत लगता है इसमें, ये इस प्रकार से करना है, देखिए दिख रहा है अनुप्रीता जी आपको, ये एक स्पार्क होता है वहां पे, उस पेशेंट में स्पार्क नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप करेंगे इस प्रकार से तो आपको उसमें स्पार्क भी आएगा, ये देखिए इस प्रकार से,
ये पोजीशन करके करिए आप, ये पोजीशनिंग ए रहेगी आपकी, ये अंगूठा आपका या तो पीछे रहेगा और ये इस प्रकार से इनसर्कल करेंगे आप, या फिर अंगूठा आप इधर आगे रखेंगे और फिर इस प्रकार से इनसर्कल करेंगे, कहीं ना कहीं ये मैल्यूलस पर आपका पूरा प्रेशर रहेगा। योर प्रेशर शुड बी जस्ट गिवन एट द मैल्यूलस, मीडियल साइड ऑफ द मैल्यूलस, एंड पुट अ मैक्सिमम प्रेशर ओवर दिस पॉइंट, एंड बाय डूइंग दिस यस कस के दबाइए, ताकत लगाइए और इससे आप इस प्रकार से मरण कर सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद आपने देख लिया होगा और आप इसको करेंगे रोज। अब मैं आपको देखता हूँ, मैंने अपना कैमरा बंद कर देता हूँ। जी अनुप्रीता जी, दिख रहा है आपको? हाँ, तो बस आप करिए, अब इसको ऐसे ही करिए, बाकी बैच जी बताएंगे। एक बार करके दिखाइए कैसे कर रहे थे आप। हाँ बिल्कुल सही, अंगूठे हाँ पूरे इनसर्किल करिए, ऐसा करना है इनसर्किल, आप दबा रहे हैं ऐसे नहीं, ये चाबी बनाना है चाबी। यहाँ पे विनीता चौहान जी हैं, शायद वो आपको बेहतर दिखा पाएंगे। एक मिनट विनीता चौहान जी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, मैं इस वक्त शायद ठीक से नहीं दिखा पा रहा हूँ, ये आप बताइए जरा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं, वो अच्छे से बता पाएंगे। सर अभी कैमरा नहीं ऑन कर सकती, कोई बात नहीं, सॉरी सर, आप मेरे से सीख लेना बाद में। हाँ जी, यहाँ तो शुक्ला मैम भी बता सकती हैं, शुक्ला मैम है क्या? नहीं शुक्ला मैम नहीं है, मैंने बताया, मैं अनुप्रीता जी को बाद में बता दूंगा, वो एक्चुअली सही अप्रोच नहीं कर पा रही है वो वहां पे। कोई बात नहीं अनुप्रीता जी, आप मुझसे एक बार और सीख लेना, ठीक है भाई जी, आप कंटिन्यू करिए सर। हाँ ठीक है, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। अगर मुझे ये रिपोर्ट दिखा दे तो मैं अच्छे से ट्रीटमेंट बता सकता हूँ, मेरे लिए तो बहुत सिंपल है ये केस सॉल्व करना। तो करिए, अच्छी बात है ना, करना चाहिए सॉल्व, करिए। अनुप्रीता जी आप वैद्य जी से बात करिए। जी सर, ठीक है सर, अनम्यूट करे बोल रही है माधुरी जाधव जी, अभी रुकिए मैं अनम्यूट करता हूँ, अब मेरे से हो रहा है। हाँ अनम्यूट हो पा रहे हैं? हाँ सर हो रहा है। हाँ आप बताइए कुछ मैम, कुछ बोलना चाहती हैं आप? सर नहीं, ये गुल्फ मर्म का ही बोलने का था, सर ने बताया बस। अच्छा तो बाकी दूसरा केस के बारे में बोल सकते हैं कि? हाँ बोल सकते हैं सर, एक एजेड पेशेंट है 80 ईयर ओल्ड, तो उनका प्रोस्टेट का साइज 6.3 × 5.2 और 4.8 सेंटीमीटर और 84 केजी वेट है, ये ट्रीट हो सकता है क्या प्रोस्टेट? 100% ठीक हो सकता है। हाँ सर, क्योंकि उनका पहला सर्जरी हुआ था पर फिर से ये अभी इतना आया है यूएसजी में। जी आप अगर रिपोर्ट्स भेज दें और पूरा डिटेल में बताएं तब मैं अच्छे से बता पाऊंगा। ऐसे हमारे सर का एक प्रोस्टेट फॉर्मूला है, प्रोस्टेट वो देने से फायदा होगा, नहीं थोड़ा अच्छे से बताएंगे तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। तो वो मुझे अभी सिर्फ फोन पे बात हुई ना, तो है रिपोर्ट मेरा, और उनका यूरिन में बहुत पसल जाता है, मतलब 7 साल से आता है और फिर जाता है, मतलब अभी रिपोर्ट रिसेंटली आया तो 150 है सर, 150 to 160 है पस से। तो बेटर रिपोर्ट भेज दीजिए ग्रुप में या मुझे भेज दीजिए तो मैं बता पाऊंगा। अच्छा अच्छा, वही सर वो मुझे पूछ रहे थे कि आयुर्वेद से ट्रीट हो सकता है क्या? आयुर्वेद में ही तो हो सकता है ठीक, तो मैं बोली हाँ हो सकता है, पर मुझे आपसे बात करनी थी इसलिए मैं बोली आपसे एक बार पूछ ली गई थी, तो मैंने प्रोस्टेट का केस नहीं हैंडल किया था इसलिए मैं करना चाहती हूँ अभी, तो आप मैंने पूरा ठीक कर देंगे हम। हाँ सर इसलिए पूछ ली। ठीक है, एक डॉक्टर प्राची जी ने हैंड रेज किया हुआ है, डॉक्टर प्राची जी। हेलो सर, हाँ मैं एक केस डिस्कस करना चाहती हूँ। हाँ सर, एक 30 इयर्स की एक फीमेल है और उसकी पीसीओडी की हिस्ट्री है, पीसीओडी और एक्ने था उसको, मेरे पास आई थी, पर वो उसकी मेन कंप्लेंट थी कि उसको पूरे बदन में दाह कंप्लेंट था, और वो कैसे दिखने में एकदम पित्त प्रकृति की थी, तो चेहरे पे एकदम मतलब, और उसका दूसरा कंप्लेंट था कि पूरा चेहरा लाल लाल हो जाता है, तो फिर रक्त प्रसादन पित्तशामक चिकित्सा मैंने की थी, मैंने उसको वेचन रक्तमोक्षण किया था, तो काफी हद तक उसको कम हुआ था। और दूसरा और भी उसका था ना कि वैसे वो पेशेंट भीरू है, तो उसको कभी भी मतलब इंटरव्यू के लिए गए तो वो बहुत डर जाती है,
तो उसके बाद भी उसको ऐसे लाल लाल चेहरा हो जाता है। तो बीच में वो एकदम ठीक हुई थी तो वो गई थी। हाँ, उसके मेंसेस बीच में इरेगुलर भी हुए थे, मतलब पीसीओडी का हिस्ट्री है तो कभी कभी उसके मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। तो मैंने उसको लास्ट टाइम कुछ महीने पहले मैंने 3 दिन का ही बस्ती दिया था। तो फिर उसने, उसके बाद वो पेशेंट आई नहीं, तो अभी वो फिर से आई तो उसने बोला कि मुझे विरेचन हुआ, रक्तमोक्षण हुआ, पर बस्ती के बाद सबसे ज्यादा अच्छा लगा था 3 दिन के ही बस्ती के बाद। तो मैंने उसको, तभी मेंसेस नहीं आए थे इसके लिए मैंने सहजा तेल और बाकी त्रिफला दशमूल ऐसे ही उसका बस्ती दिया था। तो उसके बाद उसके मेंसेस भी रेगुलर हुए थे। तो मतलब मुझे ये अभी समझ में नहीं आ रहा है कि उसका प्रधान लक्षण रहता है कि दाह, पूरे दाह, रक्ताभ, ये सारे मतलब ये है उसका लालिमा, बट उसको बस्ती से आराम पड़ता है। तो बस्ती में अभी मैं मतलब मैंने तभी तो उसको सहजा तेल का और त्रिफला दशमूल वगैरह ऐसे ही उसका मैंने दिया था, तो अवरोध दूर हो जाता। अभी उसको मेंसेस भी आए नहीं है, 1 हफ्ता लेट हुए हैं। तो अभी अभी फिलहाल ये है कि चेहरा फिर से लाल हुआ है, डर लगता है तभी चेहरा लाल लाल हो जाता है, पूरा गर्मी हो जाती है, और मेंसेस 1 हफ्ता आगे गए हैं। तो अभी मैं क्या करूं, फिर से वही बस्ती वगैरह दूं, आप चरक ये संहिता रक्तमोक्षण, निकालिए, उसमें दाह ब्रह्मण गण है, ये पढ़ा सब होगा मैंने आपने। सब दिया था। मतलब उससे कम हो जाता है उसका, ऐसे नहीं, मतलब उसको हर एक टाइम तो में उनका देती हूँ या हेतु मेडिसिन, हेतु तो क्या फर्क है, हेतु पड़ता है, पर क्या ऐसे है। पूरी पहले तरह से निकालना है। तो अभी क्या मतलब, आप ये ये पिछले का बताइए लक्षण हेतु समझे, क्या वात है, का समझे, हेतु। आप हेतु बताइए हेतु। पहले तो वो चाट वाट वगैरह सब कुछ बहुत खाती थी और व्यायाम देखो, वगैरह कुछ नहीं था। रात्रि जागरण हो रहा है क्या, मोबाइल पे रात रात भर चैटिंग हाँ कर रहा हाँ है, हाँ हाँ ये सब होता था। तो तो अभी वैसे अभी फिलहाल वो बोलती कि अभी ये सब मैंने बंद कर दिया है, बट एटलीस्ट रात्रि जागरण तो रहेगा मेरे ख्याल से, बट चाट वाट खाना, अचार पापड़ खाना, उसने सब बंद कर दिया अभी। नहीं तो हेतु सेवन बंद नहीं करेंगे तो कैसे होगा। उनको बोलिए रात में जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठेंगे तो पेट साफ हो जाएगा, सारा फिर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और दूसरा फिर आप ये करिए ना, सारा पित्त शामक मधुर तिक्त का क्षारसात्मक द्रव्य दीजिए, शुचिकर रस दीजिए, उशिरासव दीजिए, चंदनासव, सारिभाद्यासव, सर ये इसके सब मतलब उधमबरावले भी मैंने दिया था उसको, वो सब देख के हुआ उसको, मतलब रिएक्शन फर्क पड़ता खाइए। है। मेडिसिन देती हूँ ना उसको, 60-70% तक अच्छा लगता रहता है। संक्षेपता क्रिया वो निदान परिवर्तनम, अगर वो हेतु सेवन नहीं बंद हो रहा है, दिवा स्वाप, अजीर्ण में भोजन करना, क्षार का सेवन करना, ये सब अगर नहीं बंद होगा तो आप कितना भी इलाज करिए आपका बिजनेस तो बहुत चलेगा लेकिन वो ठीक नहीं होगी। तो फिर और उसको ऐसे क्यों लगता है कि विरेचन रक्तमोक्षण से भी बस्ती से ज्यादा फायदा हुआ, तो क्या और हुआ वो भी वहां कभी। पे पित्तावृत वात होगा। हाँ तो फिर मुझे मुझे ऐसे एक्चुअली पूछना है कि ऐसे भी कुछ बस्ती आए हैं जिसमें हम लोग शीर और क्या तिक्त रसात्मक वगैरह तिक्तक्षीर ऐसे बस्ती भी यूज कर कर लीजिए ना, सकते हैं। तिक्तक्षीर बस्ती से अच्छा फायदा हो जाएगा। तो फिर मैं ये अभी उसको बस्ती, मतलब पेशेंट अभी फिलहाल बस्ती के लिए विलिंग है कि उसको मेडिसिन से भी ज्यादा बस्ती से मुझे अच्छा लग रहा है, तो तो मुझे ठीक है, बस्ती आप चाहिए। तिक्तक्षीर बस्ती और चंदन वाला लाक्षादी तेल का बस्ती दे दीजिए। अच्छा तो फिर मतलब अभी समझो मुझे 5 दिन का बस्ती देना है, तो 3 दिन मैंने चंदन बला लाक्षादी का दिया और 2 दिन फिर तिक्तक्षीर दिया, इस तरह से करूं हाँ, और रिजल्ट बताइएगा। चलेगा। ओके सर, फिर कल से करना है मुझे। पित्तावृत वात होगा ना तो ये पेन भी हो रहा होगा, बर्निंग भी हो रहा होगा, तो इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसका कैसे, सामता भी है, पित्त भी है, और वात मतलब अवरुद्ध वात तो भी है, ये ऐसे तीनों भी चीजें है। ठीक है आप मेरा चलेगा, आम पचन कुटी दीजिए ना, उनको आम का पचन हो जाएगा। पर वो गर्म नहीं पड़ेगा ना सर, क्योंकि दाह दाह वैसे लाल आपको लाल होती है आपको आती लगता है। है आम का पचन करना है तो तकर के साथ दीजिए, ठीक है। ओके और यस, आपको क्योंकि क्या कैसा होता है लगा आम ज्यादा पाचक ठंडे होती भी, से। मतलब ज्यादा ठंडे मेडिसिन दिए ना मैंने उसको, घृतपान शिरबत सब कुछ दिया था, मतलब ज्यादा भी मैं ठंडा कुछ यूज करूँ ना तो फिर उसके फिर मेंसेस वगैरह डिले हो जाते हैं, तो वो भी तो मत अवरुद्ध दीजिए मतलब ना वात ठंडा चीजें, शीत विरोधात्मक मत दीजिए आप। नहीं ज्यादा। हाँ वो भी नहीं चलता उसको, ये है। ठीक है फिर मैं ऐसे बस्ती देती हूँ, चलेगा। ठीक हाँ, है, ओके, थैंक यू सर। और आपको आम पचक वट्टी खाने से कैसा लग रहा है। मुझे मेरी सर्दी चली गई ना सर, अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब मैंने कुछ ज्यादा दिन नहीं दिया मेडिसिन, पर जो भी दिन लिया मेरा सर्दी आम पाचन वटी और नस से वो पूरा चला गया बस 2 दिन में। अच्छा हो गया, ठीक
वरना मैंने पहले वमन वगैरह बहुत लिया है, मेरा टेंडेंसी तो हमेशा तो फिर प्रतिष्ठा क्यों का आपके मेरे आम पाचक वटी पे इतना शक हो रहा है? आप दीजिए ना ये पेशेंट को, आम का पचन हो जाएगा। अंदर से पहले उत्तीन का रेड वाला स्लीपर दो। आकांक्षा जी घर का आवाज आ रहा है। और सर उसके अभी एक हफ्ता मेंसेस भी आगे गए, तो वो भी आ जाएंगे ना इससे। अब अच्छा हो जाएगा, आप आम पाचक वटी दीजिए। नहीं नहीं मैं ये चंदन वाला लाक्षादी तेल और तिक्त वो सबसे तो आए ना, वो तो आवरण को हटा ही देगा ना सब ये बस्ती। या तो मतलब मुझे ऐसे बोलना है कि पहले सरसों तेल का वगैरह ऐसे बस्ती यूज करने की जरूरत नहीं ना। आप कोई भी बस्ती दीजिए, पेशेंट ठीक होने वाले हैं। अच्छा ठीक है सर, ओके सर ठीक है। डॉक्टर चौधरी जी कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर देवराज माहौर जी कुछ बोलना चाहते हैं बताइए प्लीज सर। डॉक्टर चौधरी जी आपने अनम्यूट किया है सर। नमस्ते जी, दोनों में से एक कोई बोलिए पहले। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, बताइए सर। अलवर राजस्थान से बोल रहा हूँ, सुगन चौधरी। हाँ जी बताइए सर। सर वो मैडम के लिए मेडिसिन की बात है ना, तो 2-3 दिन से ज्यादा पेन हो रहा है। कौन से मेडिसिन, कौन मैडम? जो डॉक्टर मुकेश साहू जी ने कहा था ना सुभद्रा। हाँ हाँ हाँ, उसके लिए जो कह रहे हैं कि अपने अभी दवा प्रिपेयर हो रही है, उसके बाद भेजता हूँ। असल में दवा मेरा चोरी हो गया तो। हाँ आज बता तो रहे थे वो, तो आज मेरा पूरा दिन उसी में गया, नया दवाई लाया है, कल भेज दूंगा, चिंता मत करिए। कल वैसे भेजोगे ना सर? हाँ लो बात करो सर। ने थोड़ा जल्दी भेजो सर, मैं परेशान। कल 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 ठीक है सर। चोरी हो गया, अभी मैं क्या करूं, किसके मन में गलत भावना आ गई, मेरा दवाई चोरी। सर ये तो गलत है सर, ये तो सर तो चोरी करने वाला सुख ना पाएगा सर। पता नहीं अभी किसी को अच्छा लगता है। क्या हुआ कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, तो एक मेरे क्लासमेट था, उसको पेन चोरी करने का आदत था, तो वो किसी के गले मिलता था और पेन चोरी करता था। तो उसने मुझे बाद में दिखाया था, उसका पूरा सूटकेस भरा था ये मतलब पेन से, उसने सब पेन दिखाया था कि ये प्रिंसिपल का पेन चोरी किया, ये सीनियर का क्या, मेरे भी फाउंटेन पेन चाइनीज पेन थे, वो मेरे भी चोरी किए थे। कुछ लोगों को एक पैशन होता है चोरी करना। और बहुत सारे मेरे क्लासमेट थे ना, वो जाते थे कहीं पर भी तो गन्ना का ट्रक या ट्रैक्टर होता था, वहां से गन्ना चोरी करते थे। ऐसे कुछ लोगों का होता है कि चोरी करो। सर सर गाय को घी वैसे तो मिलना रहे, पतंजलि को ले लें यूज में। हाँ ले लीजिए। और भैंस को दूध ले ले पतलो। गाय का चाहिए, गाय को चाहिए दूध। हाँ अच्छा, कल मैं भेज दूंगा, चिंता मत करिए। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर माहौर जी आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? देवराज जी। जी प्रणाम सर। आप प्रणाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं डॉक्टर देवराज अलीगढ़ से हूँ सर। अलीगढ़ से, वाह कितना अच्छा है वो। सर बताइए सर, मेरे पास एक रोगी आई है जो 37 वर्ष की है। हाँ, और 2 वर्ष से किडनी के रोग के लिए एम्स से ट्रीटमेंट ले रही हैं। उनको इस समय कंप्लेन है कि कमर में दर्द रहता है, पैरों में सूजन है और बीपी 150/90 है। वो ये कह रही हैं कि हम अंग्रेजी दवा खा खा के परेशान हो गए हैं। और सर उनका सीरम क्रिएटिनिन जो है 2.4 है। अच्छा, तो क्या डायलिसिस हो रहा है? नहीं डायलिसिस नहीं है, लेकिन वो ये चाहती हैं कि आप हमें कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दीजिए। तो सर हम क्या क्या दे सकते हैं उन्हें? दिखा सकते हैं क्या हमें? सर मैं आपको रिपोर्ट शेयर कर सकता हूँ सर। रिपोर्ट शेयर कर दीजिए। और हमारा आयुष दर्पण है ना, इंडिया का टॉप मोस्ट एम्स से भी बड़ा आयुर्वेद का है इंस्टीट्यूट आयुष दर्पण, तो आप जब इधर आ गए तो पेशेंट ठीक होके जाएंगे। जी सर, तो हम आपको शेयर कर देंगे सर। कर दीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू सर, ओके सर जी। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, बताइए सर। एक पूछना है सर। पूछिए। जो एक सोरियासिस पेशेंट का जो सर चल रहा है, मैं बता रहा था। हाँ। तो उसका फेस में एक पैच है सर, जो अभी थोड़ा स्केलिंग है, ड्राई है, और बाकी सब लेजन तो ठीक है, थोड़ा बर्निंग भी है। उसको जो आपने एडवाइस किए हैं उसी हिसाब से चल रहा है ओरल मेडिकेशन सर, तो लोकली क्या लगता है? उसमें गंधक द्रुति लगाई ना, अगर सोरियासिस है तो गंधक द्रुति है क्या आपके पास? नहीं रेडिली नहीं है। गंधक द्रुति से तो बहुत अच्छा फायदा होता है, नहीं तो
कुटज और नारियल तेल, कुटज का चूर्ण और नारियल तेल से फायदा होता है सर। हाँ ओ सर, और सर, सर और एक केस है सर देंगे इसका। जी बताइए सर। और एक 20 इयर्स का फीमेल चाइल्ड है सर, उसका हेयर फॉल है और उसके लिए क्या कर सकते हैं? हेलो। हाँ सर, कुछ सुनाई नहीं दिया मेरा शायद। हाँ सर, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है सर, 20 इयर्स का फीमेल है। हेयर फॉल का प्रॉब्लम है जी, तो आप केश तेल का यूज करिए ना, जिसमें विंगराज हो, असाना हो, विजय सारो और व्यवस्थापन गण की दवाइयां हो, और इंटरनल दवाई में प्रवाल पंचामृत को इसके साथ दे दीजिए, गुलकंद के साथ दे दीजिए, काशिश भस्म दे दीजिए, नरसिंह रसायन दे दीजिए, बाल अच्छे हो जाते हैं सर। ठीक है सर। हाँ मैं आपको एक तेल भेज दूंगा, वो बालों के लिए 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर लक्ष्मी जी, आपके पिताजी कैसे हैं? और कोई बोलना नहीं चाहेगा क्या? डॉक्टर अंजना मैम, आप कुछ नहीं बोल रही हैं आज? जी सर, नमस्कार सर। जी आप सर, कुछ बताइए ना। जी सर, हम आज तो सर आपने ऐसी न्यूज सुनाई कि हम लोग सभी लोग बहुत दुखी हैं। अभी मैं क्या करूं? जी सर, मेरा दवाई सर, सभी को चाहिए लेकिन गलत मार्ग से चाहिए जी। मेरा 10 लाख से ज्यादा का चोरी हो गया। 10 लाख हुआ होगा सर, सही बात है, क्योंकि कुछ न कुछ किसी को आपके बारे में कुछ पता रहा है और उसी ने इस तरह से कुछ गलत काम किया है। तो बात है सर, कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा ही, अभी नहीं कुछ समय लगेगा जरूर, कुछ ना कुछ सूत्र हम लोग। चमदग्नि सर के क्लिनिक से भी रौप्य भस्म, चांदी का भस्म, क्या क्या चोरी होता था, स्वर्ण भस्म चोरी होता था। तो अभी सभी लोग जब ऊपर बढ़ते हैं तो लोग अपने ही लोग चोरी करते हैं। वही है सर, अब सबसे पहले आप सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवा लीजिएगा, उससे थोड़ा सा एक उसकी गतिविधियों पे थोड़ा जमदग्नि सर जो सूटकेस में नोट लेके जाते थे, सूटकेस ही उड़ा लिया किसी ने, पूरा चोरी कर लिया। सर को इतना बुरा लगा कि मेरे स्टूडेंट चोर हैं कि अभी स्टूडेंट हैं, डॉक्टर होके ऐसा कर रहे हैं। जी सर, इसीलिए सब लोग थोड़े से सबका सभी का मन आज बहुत उदास है आयुष दर्पण में, लेकिन अभी है कि अभी ये काम तो हमें करना है, जो हम लोग डेली काम करते हैं, हमें झुकने नहीं है, रुकना नहीं है, लेकिन ये कि कितना मुश्किल से हम लोग एक एक चीज को करते हैं और फिर डिस्ट्रक्टिव लोग कितना आसानी से कर देते हैं। जी सर। अंजना मैम प्रणाम। प्रणाम मैम, प्रणाम, बताइए मैम। अभी थोड़ी देर पहले केस डिस्कस हुआ सर्वांग दाह का, हाँ कैसे देखेंगे अपन, मतलब दाह किस वजह से हो रहा है या दाह? तो मैडम डरने से चेहरा भी लाल हो जाता है ऐसे कह रहे हो। हाँ, तो दहा मैडम जैसे है, ये पित्त का लक्षण है ना, पित्त कुपित होता है तो दहा का लक्षण है, तो सर ने बताया ही था। तो जनरली जिसमें हमें जैसे रक्त चंदन है, सारीवा है, मंजिष्ठा है ना, और उशीर, उशीर का बहुत अच्छा इफेक्ट, उशीर का आप लेप भी लगवा सकते हो वहाँ पर, और उसके बाकी जितने भी हमारे जो शीत प्रश्मन जो गण के द्रव्य है उसमें आप सिंपल जैसे अभी बताया हमने मनिष्ठा, सारीवा, रक्तचंदन और उशीर, इनका आप क्वाथ बना के भी दे सकते हो और इनका लेप बना के भी लगा सकते हो, और थोड़ा सा हल्का नित्य विरेचन भी कराना पड़ेगा ऐसे केसेस में। अभी पत्ती कर चूर्ण है ना, आरंभ कषाय के इतने सारे पेशेंट है कि सर्वांग दाह उसके एक्चुअली मैम क्या है ना, पीसीओडी का कार्य यही है। पीसीओडी अगर हम लोग ठीक से देखते हैं तो हमारे पास जो भी पेशेंट पीसीओडी के आ रहे हैं उसमें क्या है कि कफ और पित्त, वायु तो है ही है, वायु के बिना तो कोई योनि रोग है ही नहीं, लेकिन कफ और पित्त दोनों का अनुबंध है, तो जहाँ पित्त का अनुबंध है वहाँ पित्त के लक्षण मिलते हैं, जहाँ कफ का अनुबंध है वहाँ कफ के लक्षण मिलते हैं। पॉलिसिस्टिक का नाम ही यह हुआ कि वहाँ कलेक्शन हो रहा है ना, वाटर का कलेक्शन हो रहा है, और वहां हमें डिसॉल्व करना है उस वाटर को, और पित्त पच्यमान अवस्था भी वहां पूरी डिस्टर्ब है, अग्नि पूरी डिस्टर्ब है। अगर अग्नि प्रॉपर काम करेगी तो उससे क्या होगा कि हमारा जो है डाइजेशन हार्मोन लेवल प्रॉपर होगा, तो अगर अग्नि को हमें कार्य करना है तो हमें पित्तधरा कला पे, हम इसीलिए हमेशा कहते हैं हमें यकृत पे भी काम करना है, हमें पित्तधरा कला पर भी कार्य करना है।
यहाँ पहले हम शीतल पाचन और नित्य विरेचन पे हम कंसंट्रेट होते हैं, उसके बाद फिर नस्य और मात्रावस्थी पे कंसंट्रेट होते हैं। तो जो दीपन पाचन और विरेचन की जब बात आती है, तो दीपन पाचन में ऐसे केसेस में जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ ज्यादा जलन हो रहा है और ज्यादा पेशेंट को उस तरह की प्रॉब्लम हो रही, तो दाढ़ी माष्टक वगैरह का बहुत अच्छा रोल आएगा, अभिपत्ति कर का भी यहाँ अच्छा रोल आएगा, है ना मैम। साथ में थोड़ा सा अगर आपको लगता है तो आप अरगबत ही मिला सकते हो उसके साथ में, जैसे कि आपने कहा दाढ़ी माष्टक चूर्ण अरगबत कषाय के साथ दे सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे आप कह रहे हो, तो यहाँ पे सारीवादी वटी का भी रोल है, क्योंकि रक्त रस धातु को, रक्त धातु को भी हमें बहुत अच्छे से वहाँ पे नॉर्मल करना है, तो रस धातु के लिए सारीवादी वटी से कोई अच्छी चीज ही नहीं है। और जैसे हम लोग अक्सर बताते हैं कि द्राक्षा का जल या मुनक्का को पानी में भिगो के देना है, खजूर को पानी में भिगो के देना है, तो यहाँ इन सब का बहुत अच्छा उपयोग है मतलब ऐसे पेशेंट में, क्योंकि आप दोनों पर्पज से देख सकते हो। उसमें क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो अगर हम डायबिटीज की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ इंसुलिन का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो जो हमें प्रमेह में बताया भी गया है, तो अगर उसका भी सिम्टम ये है, दाह है, तो वहां हमें अगर उस तरह से हम देखेंगे तो वहां भी हमें रस धातु पे कार्य करना है। तो कुटकी, कालमेघ, गिलोय, नीम, है ना, ये जो द्रव्य तिक्त रस के जो हमारे प्रधान द्रव्य हैं, इस पे पहले जो है इसका हमें चूर्ण बना के या पूड़ी बना के देना है, जो लोहे का, कालमेघ का, कुटकी का, निम्ब का और रक्त चंदन का। और अगर उसमें सारीवाद या सबके साथ दे दें, या सारीवा और मंजिष्ठा का क्वाथ के साथ दे देंगे, तो हमें ऐसा मिलना ही मिलना है। उशीर का आप लेप लगा सकते हो, वरना आप इसका इसका जो जो गढ़ बनाते हैं उसका आप नाभि पूरण करिए, उसी की मात्रावस्थी भी दीजिए उसी के तेल की, और उसके अलावा थोड़ा सा जो विरेचन कराइए। धीरे धीरे मैडम इफेक्ट पड़ता है, पहले हमें मेन लगता है कि जब हमें ये समाप्त करना है, तो पहले हमें विरेचन कराना है, विरेचन करा के जब उसको लगेगा कि हमारे दोष जो है नॉर्मल आ रहे हैं, तब फिर हमें जो है वस्ती और ये नस्य प्रक्रिया पे लेके आना है, और फिर रस धातु पे काम करना है। क्या मैम, थैंक यू। और ये जो चांदी का पायल पहनाते हैं ना, उसका भी बहुत अच्छा फायदा होगा। कमर बंद और चांदी का पायल, जितना चांदी पहनेगी उतना ज्यादा हीट निकलता है, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। थैंक यू मैम। अंजना मैम, मैं डॉक्टर पूजा मैडम हैदराबाद से। इसके पहले एक उत्तरवर्ती की बस्ती किया था, आपको बताया था मैम कि पहली बार थोड़ा सा ऑयल मेरा वापस आ गया था करके बताया था मैंने जी, फाइब्रोलॉजी केस थी। तो उसको एक्चुअली जो सिम्टम्स है मैडम, उसका ऑयल तो ठीक से गया नहीं, ये मुझे भी पता है, लेकिन शायद 0.5 ml चला गया होगा, लेकिन उसको ना रिलीफ ऐसा मिला कि उसको जो ब्लीडिंग की हिस्ट्री थी, उसको कैंटी ब्लीडिंग थी मैडम, उसको बहुत आफ्टर उसका मीनार के आने के बाद से उसको जो कैंटी ब्लीडिंग थी, अभी तक इतना ब्लीडिंग कभी भी नहीं हुआ मैडम। मेरे को 1 या 2 दिन तक ब्लीडिंग होता था, वो भी एक एक पैड चेंज करती थी, ऐसे हिस्ट्री दिया था मैडम उसने, लेकिन इस बार उसको 2-2 पैड मीन्स 3 दिन तक 2-2 पैड का हुआ, और उसको जो डिस्मेनोरिया था मैंने जो पेन होता था उसको, उसने भी 50% तक रिलीज करके उसने बताया मैंने। स्कैन कुछ करके नहीं लिया, लेकिन उसको रिलीफ तो बता रही है मैडम, एक ही उत्तरवस्ती में अच्छा इफेक्ट आया है। जी मैम, उत्तरवस्ती का बहुत अच्छा रोल है, उत्तरवस्ती जो है इतना अच्छे से मेंटेन करती है, अपान वायु का इतना अच्छे से कहना चाहिए ना, उसको अनुरोमित करती है, और अपान वायु का ही आर्तव्य स्रोत में बहुत अच्छा रोल है। मैंने मैंने एक एक आप लोगों के सामने बहुत दिन हो गए, शायद 1 महीना पहले एक शेयर किया था कि एक पेशेंट को मोलर प्रेगनेंसी थी, और मोलर प्रेगनेंसी हाँ, के साथ में बताया था। हाँ, वो पेशेंट का अब USG आया है, उसकी मोलर प्रेगनेंसी एकदम खत्म हो गई, केवल उत्तर बस्ती से मैंने उसकी मोलर प्रेगनेंसी को स्किप किया है अभ्यंतर औषधि के साथ। 3 महीने से आ रही है, इंटरनल मेडिसिन तो मैं दे रही थी, लेकिन मुझे उसका स्पेसिफिक जो सिम्टम्स में कुछ भी रिलीफ नहीं आ रहा था, उसने बता रही थी उसको मात्रा बस्ती भी चल रही थी ये। जी 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 मैडम, हेलो, शायद कट गया। हाँ, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। जी हाँ मैडम, अभी हाँ अभी मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, 3 महीने से मैडम पेशेंट चल रही थी मेरी, जब मैंने नया नया ज्वाइन किया था तब से ही एक्चुअली ये पेशेंट आई मेरे पास, तो फिर हमें अच्छा। इस बार के उसके साइकिल में बहुत अच्छा हुआ, लेकिन और एक चीज ये दिखी मुझे कि सर्वाइकल इरोजन थोड़ा सा था मैडम, ऐसे पस्ती डिस्चार्ज था उसका, मीन्स येलोइश डिस्चार्ज था, तो मैंने उसको अभी तो इस बार तो नहीं दिया,
भेजा, उसके साथ में मैडम उसको मैंने बताया कि एकेटी और सूक्ष्म त्रिपला देके भेजी मैडम, और कुछ इरोजन के लिए एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ेगा मैडम। हाँ मैडम, उसमें यही सब यही जो हमें चिकित्सा करना है ना, तो अकॉर्डिंगली आप जैसे अब उसके ज्यादा नियर और जैसे आप सेटिस्फाइड नहीं थी बस्ती के बाद भी, लेकिन कहीं ना कहीं बस्ती का उसने इफेक्ट दिखाया और कहीं ना कहीं उसने अब्जॉर्ब किया है, तो इसी तरह से उसका जो आपको लग रहा है जो उसके लक्षण के हिसाब से प्रॉपरली आप एक बार फिर से उनकी बताइए, तो उसके बारे में फिर हम चिकित्सा बताएंगे क्या सही रहेगा, है ना। थोड़ा सा इरोजन में तो मैडम हम लोग दो तरह से काम करते हैं, जैसे कि हम लोग उसको में एक तो छार भी लगाते हैं, ठीक है, जैसे अपामार्ग छार है ना, या फिर जैसे एक तुथ आता है ना, तुथ कॉपर सल्फेट होता है, वो हम रसास में मिलता है अच्छे से, वहां पर रसास जो हमारा डिपार्टमेंट होता है, तो हम उस वाले छार को वो भी छार की तरह यूज करते हैं। समटाइम्स हम शलाकाएं बनवा के रखे हैं डिपार्टमेंट में, स्वर्ण शलाका है, चंद्र और उसकी चांदी की भी शलाका है, और थोड़ा सा जो है तांबे की भी शलाका है, तो हम पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से जैसे जैसे उसकी प्रकृति है उसके हिसाब से, लेकिन स्वर्ण शलाका सबसे बेस्ट होती है, तो पूरी शलाका हम लोग स्वर्ण की नहीं बनवाते हैं, जैसे उसका आगे का जो पोर्शन होता है उसको बंद करते हैं, उतना पोर्शन हम लोग उसमें स्वर्ण लगवा देते हैं, शलाका हमारी सिंपल बनी होती है, और उससे फिर हम उसको वर्ण भी करते हैं, और समटाइम्स होते हम समटाइम्स क्या करते हैं, अगर पेशेंट उसके लिए वर्ण कराने के लिए राजी नहीं होता है तो जैसे वो भी छार ले लेते हैं, और छार को वहां पे हम लोग वर्ड वर्ड जैसे होती है ना ईयर वर्ड टाइप की वर्ड बनाते हैं, या फिर हाँ पेपर स्मेल वाली वर्ड आती है ना बड़ी वाली, उसको लगा देते हैं और फिर उसको तुरंत वाश कर देते हैं, जैसे एक सेकंड के लिए आप लगाओगे तो वो वर्ण होता है वहां पे उतना एरिया, बस केवल ये है कि जो इरोजन वाला एरिया है उसी पे टच करना है छार को आपको। मैडम ब्लीड भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा उसका, आप पहले पेपर स्मेयर और करा लीजिए अगर पॉसिबल हो, ब्लीडिंग की रोक के कहरवा पिस्टी है, पुष्यानु चूर्ण है, पुर्जा रिस्ट है, बोल परपट्टी है देख के, और फिर आप उसका जो है पहले ब्लीडिंग रोक के फिर एक बार पेपर स्मेयर जरूर करा लीजिएगा, है ना, उससे एकदम कंफर्म हो जाता है कि किसी तरह की कोई चेंजेस तो नहीं है पेशेंट में, है ना, कोई उसकी नॉर्मल सेल्स आ रही है, और उसके बाद जब लगेगा कि पेशेंट में कोई कार्सिनोमेटस चेंजेस नहीं है तब फिर उसमें हम लोग जो है अग्निकर्म क्षार कर्म करते हैं, उससे इफेक्ट आता है पेशेंट को, लेकिन ये 100% श्योर होना चाहिए कि पेशेंट कैंसरस की तरफ तो नहीं जा रहा है। जी मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम, ओके मैम जी। जी सर, हेलो प्रणाम सर, प्रणाम सर, सर एक दो केस डिस्कस करने थे सर। एक सर मेल पेशेंट है 48 इयर्स ओल्ड, डायबिटिक पेशेंट है लास्ट 20 इयर्स से, और वो लास्ट 17 इयर्स से इंसुलिन डिपेंडेंट है, वो मेरे पास सिर्फ इसीलिए आए थे क्योंकि वो इंसुलिन पर थे बट उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो स्टार्टिंग में मैंने उनका हिस्ट्री वगैरह लिया तो मधुर आहार वगैरह की जो इनटेक था वो ज्यादा था, थोड़ा दिवा सॉफ्ट था, तो मैंने वो सारी चीजें उनको कंट्रोल करवाई, और उनको जो मेडिसिन मैंने स्टार्ट करी थी तो उसमें पहले मैंने कुछ दिनों के लिए लहसुन आदि बटी दीपन पाचन के लिए, और फल त्रिकादि कुआत ये स्टार्ट किया था, और बाद में फिर मैंने उनको ये आमलकी हरिद्रा अब्रक भस्म त्रिवंग भस्म विजयसार गुड़मार ये पाउडर कॉम्बिनेशन और चंद्रप्रभा बटी और प्रमेहांतक बटी इतना स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में उनका शुगर कंट्रोल भी हुआ, और जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था तो उनका HbA1c 11.8 था, और बाद में जब मैंने करवाया 3-4 महीने बाद उन्होंने करवाया था दोबारा तो 7.6 आ गया था, जिसमें मैंने उनकी इंसुलिन डोज भी काफी कम की हुई थी, बट अभी 15-20 दिन से ऐसा हो रहा है कि उनका ब्लड शुगर जैसे वो चेक कर रहे हैं तो वो 380-390 के आसपास जा रहा है, और आज ही उनका फोन आया था बोल रहे थे कि हमने बाहर लैब में चेक करवाया तो उनका ब्लड शुगर 460 के आसपास है, तो मतलब अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसमें ट्रीटमेंट में कहाँ गलत हो रही है। आप पहले बताइए कि आप इतना कड़वा दवाई दे रही है तो शुगर क्यों बढ़ रहा है। हाँ सर वही तो मेरे समझ तो में नहीं आप ना उनका आप देखेंगे तो वो मीठा खा रहे हैं वो बता नहीं रहे हैं आपको, बिना मीठा खाए अपने आप शुगर कैसे बन रहा है, शुगर की फैक्ट्री है क्या पेट में।
क्योंकि सर मतलब यही ट्रीटमेंट पहले चल रहा था उससे उनको इम्प्रूवमेंट था। आपका ट्रीटमेंट गलत नहीं है, पेशेंट आपको सही बात नहीं बता रहे, मीठा खाए हैं, मिठाई खाए हैं, मीठा चीज खाए हैं। तो सर अभी मतलब वैसे मैंने उनसे पूछा तो बोल तो संक्षेपत क्रिया युगो निदान परिवर्जन, हम निदान परिवर्तन कर लेंगे तभी ठीक होंगे, तो पूरे ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे, सड़ जाएंगे पूरा, आंखें खराब हो जाएंगी उनकी, किडनी खराब हो जाएगा। हाँ सर मतलब उनका ये था, उनको काफी टाइम पहले शायद ऑपरेट कराया लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं था, तो वो ऑपरेशन भी उनका सक्सेस नहीं हुआ, तभी उनको आंखों से थोड़ा ब्लर्ड दिखता है। 5 किलोमीटर शाम को 5 किलोमीटर वॉकिंग से, वॉक तो वो करते हैं क्योंकि वो मीठा खाना बंद करें, वो पूरा बंद कर दें। ओके सर, तो सर अभी इसमें अर्क का पत्ता मालूम है आपको? हाँ सर, अर्क का पत्ता जो रहता है, जो उनका शूज है ना उसके नीचे अर्क का पत्ता लगा दीजिए, ऐसे 4-5 पत्ते लगा दीजिए, तो शुगर एकदम एक दिन में कम हो जाएगा। ओके, दोनों से दोनों पैरों? हाँ, जैसे सोल रहता है ना अंदर शूज में, उसी तरह से पत्ते लगा देना है, वो लगाते ही दिन भर पहने रहेंगे ना, या अगर सॉक्स पहनते हैं घर पे तो सॉक्स के अंदर वो डाल के रखे तो शुगर कम हो जाएगा। Okay, और दूसरा वसंत कुसुमाकर रस ऐड कर देंगी तो अच्छा फायदा होगा। सर वो चल रहा है लेकिन क्योंकि वो उनको थोड़ा कॉस्टली लगता है, तो मतलब वो क्या होता है ना, पेशेंट बोलते हैं कि हम तो परहेज पाल रहे हैं और पीछे पीछे जाके और वो कुछ किशमिश खा रहे होते हैं या कुछ ना कुछ तो खाते रहते हैं। जी सर, तो मेरे एक पेशेंट थे डायबिटीज का पूरा फॉलो करते थे और 1 किलो अंगूर खा जाते थे, तो ऐसे लोग ना बताते नहीं है लेकिन वो मीठा खा रहे होते हैं जानबूझ के। ये आया कि जो ट्रीटमेंट अभी तक प्रॉपर चल रहा था अभी 15-20 दिन में ऐसा क्या हो गया कि उनको वो इम्प्रूवमेंट नहीं है, बल्कि शुगर बढ़ रहा है उनका? आपका ट्रीटमेंट गलत नहीं है उनका। जी सर, तो सर इसमें फिर मेडिसिन में कुछ और मतलब ऐड कर सकते हैं या फिर यही कंटिन्यू रखें? जी सर, 100 परहेज एक दवाई होता है, आप उनका परहेज करवाइए, पथ्य पालन कराइए। राम सर, सर पत्ता कौन सा बताया आपने सर? अर्क पत्र होता है ना, अर्क पत्र। जी जी सर, पैरों के सोल में कंटिन्यू अगर रहे 4-5 घंटे तो शुगर लेवल कम हो जाता है। जी सर, जी सर। मैंने तो जिसका 700 तक शुगर गया था तो उनको भी लगाया, बहुत जल्दी कम हो गया। सर एक दूसरा केस भी है। मैम क्या क्या दवा दे रही हैं आप बताइए एक बार। सर मैंने आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपने क्या कॉम्बिनेशन में दवाई दिया था एक बार। जी सर, मैंने इनको एक तो प्रमेहांतक वटी दी थी 2 टैबलेट बीडी, चंद्रप्रभा वटी दी थी 2 टैबलेट बीडी, और बसंत कुसुमाकर रस 1 ओडी चल रहा है, और पाउडर कॉम्बिनेशन में विजयसार, गुड़मार, आमलकी, हरिद्रा, अभ्रक भस्म और त्रिवंग भस्म ये दिया था, और लगभग मैंने इनका इंसुलिन भी 660 यूनिट सुबह शाम में कम करवाया था, बट अभी क्योंकि उनका शुगर 15-20 से 300 के ऊपर ही रह रहा है तो उन्होंने फिर से 2-2 यूनिट इंक्रीज किया है, और बाकी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और फलत्रिकादि काढ़ा चल रहा है उनका। ओके सर, एक दूसरा केस है, आज एक फीमेल पेशेंट आई थी 36 ईयर ओल्ड ओपीडी में, तो उसका हिस्ट्री था कि उसको व्हाइट कलर का यूरिन आता है, वो भी नाइट में, और मतलब ये प्रॉब्लम उसको 1 साल से है, तो मैंने जो उसकी हिस्ट्री ली तो उसने बोला उसको 1 साल पहले फीवर आया था और उसका उसने कोई ट्रीटमेंट एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया तो उसको उसका शायद साइड इफेक्ट था या जो भी, तो उसको मतलब पूरी बॉडी में जैसे छाले जैसे ऐसा हो गया था, और उसके बाद से ही उसको यूरिन वाइट आने लगा था, और मतलब इतना थिक उसमें क्लॉट्स फॉर्म में आ रहे थे, उसने बोला कि मतलब मुझे हाथ से निकालना पड़ता था, और इसी के लिए उसने फिर मतलब काफी जगह ट्रीटमेंट लिया पर उसको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, और जो उसकी यूरिन इन्वेस्टिगेशन थी उसमें काइल प्रेजेंट है इस तरह का वो रिपोर्ट था, बाकी सारी रिपोर्ट उसकी नॉर्मल थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको, और अभी 7-8 महीने पहले वो शायद इसी प्रॉब्लम के लिए दिखाने गई थी, तो वहां पर उनको शायद बोला था कि उनके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्होंने हिस्टेक्टोमी एडवाइस की थी, तो उसको उसने ऑपरेट करवा दिया है, बाकी वो कोई रिपोर्ट्स लेकर के नहीं आई थी मेरे पास, तो मैंने उसको नेक्स्ट टाइम रिपोर्ट्स लेकर के बुलाया है, तो इसमें सर हम कैसे सोच सकते हैं, मतलब हमें क्या करना चाहिए? अभी तो मैंने उसको जो हमारे पास था तो मैंने उसको तरण पंचमूल क्वाथ और चंद्र प्रभा बटी और आरोग्य वर्धनी बटी
इतना दिया है सर। अच्छा तो आपने सही तो दिया है, एक वो एल्बुमिन काढ़ा आपने देखा है हमारे सर के फॉर्मूला बुक में? जी सर देखा तो है बुक में। वो दे दीजिए तो उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। ओके सर, क्योंकि सर वो एक साल से काफी परेशान है और मतलब मेरे पास आई थी तो मैंने उसको बोला है कि अभी आप मेरे को थोड़ा टाइम दो, अभी इतना आप ट्रीटमेंट लो और फिर मुझे 5 डेज के बाद बताना, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं इस केस को डिस्कस करती हूँ कि मतलब इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ इतना बेसिक ट्रीटमेंट ही दिया था। एल्बुमिन काढ़ा देने से तो मेरे को तो बहुत अच्छा फायदा होता है, जो ये प्रोटीन जा रहा है उसमें। सर प्रोटीन नहीं है इसमें, काइल प्रेजेंट है, मतलब प्रोटीन का तो उसमें जो था वो नॉर्मल था जो मतलब रिपोर्ट्स में लिखा था। जी तो आपके हिसाब से डायग्नोसिस क्या हुआ? सर जो अपने यहाँ 20 तरह की जो मतलब जो मुझे उस टाइम नाम भी नहीं याद आ रहा था, लेकिन इस तरह का जो हम जैसे प्रमेय में भी दुष्टि जो पढ़ते हैं कफज दुष्टि जो है उसमें शायद ऐसा कोई आता, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। कफज ग्रहणी, कफज प्रमेय, आलाल में क्या है, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, आलाल में क्या है, सिक्ता में? सर आलाल में क्या मतलब में रख सकते हैं? हाँ तो आप उसकी चिकित्सा करिए ना, कफ की चिकित्सा करिए, वहां पे अग्नि बढ़ाइए, कफ शामक चिकित्सा दीजिए और प्रमेय के काढ़े बताएं वो सारे चरक संहिता में, उसमें जो जो अवेलेबल है वो दे दीजिए तो ठीक हो जाएंगे पेशेंट। या सुसंहिता में एक एक प्रमेय के एक एक मेडिसिन बताएं, मतलब तीन तीन चार चार ऐसे बताएं, वो दे देंगे तो हो जाएगा। ओके सर। और चंद्र प्रभा वटी, गोक्षुरादि गोकुल ये सब देंगे तो और फायदा हो जाएगा। ओके सर। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं कि केस में मुझे एक बार वो यूरिन का आप फोटो भेज देंगी तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। सर उसकी रिपोर्ट्स का फोटो तो नहीं है, नेक्स्ट टाइम पेशेंट आएगी तो फिर मैं उसे लेकर के भेज सकती हूँ। हाँ हाँ डॉक्टर श्वेता सोलगी जी आपने हैंड रेस किया, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? श्वेता जी सर। जी सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते बताइए। सर एक छोटा सा क्वेरी था सर, मैंने है ना एक साइनसाइटिस पेशेंट है सर, लगभग 4-5 साल से उनको साइनसाइटिस था, तो दो बार ऑपरेट भी हो गया उसको, तो उसने ने आयुर्वेदिक लेने के लिए मतलब दो बार ऑपरेट किया और फिर से रिअकरेंस हो रहा था तो और कुछ रिलीफ नहीं था, तो मैंने 3 महीने से उनको है ना अनुतेल और बाकी के अपने श्वास कुटार रस और ये ट्रीटमेंट दिया हूँ साइनसाइटिस का और माइग्रेन के लिए। तो आज मैंने स्टार्ट किया था क्लासिकल नस्य के लिए सर, तो जब मैं क्लासिकल नस्य सुबह के टाइम पे करी हूँ सब अच्छा था, शीरबला 5-5 ml डाली हूँ, जब सब पूरा हो गया अच्छा था बोले, लेकिन शाम को फोन आया कि पेशेंट को है ना पूरा नाक ब्लॉकेज हुआ है, तो कुछ मेरा कुछ गलती है कि तो, मतलब मैं नहीं नहीं नाक ब्लॉकेज ऐसा नहीं है, वो नस से लेने के बाद ना उन्होंने कान ऐसे कॉटन वगैरह नहीं ढाका होगा, ठंडी है ना अभी बढ़ गया। हाँ सर मैंने बोला था सर कि पूरा गर्म रखो और मंकी कैप डाल के ही रखो बोल के, जाते वक्त भी मंकी कैप डाल के ही जाना है आपको और पूरे गर्म पानी में ही हाथ लगाना है, अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो गर्म पानी ही पीना है, तो सब वैसे बोली थी तो वो सब ठीक दोपहर तक अच्छे थे बोले, लेकिन शाम के टाइम पे ही फिर उनको तो शाम को उन्होंने ठंडा पानी पिया होगा या ठंडी में घूमे होंगे थोड़ा। आप ना दोनों टाइम नस्य दे दीजिए ना उनको। जी सर 2 times नस्य दीजिए, दो अच्छा, बार दो टाइम सर अपना क्लास मतलब पूरा मसाज वगैरह करा के मैं स्टीम करा के फिर नस्य दी सर 5-5 ml शीरा वाला तेल का। और ये साइनसाइटिस में मतलब रेगुलरी प्रतिमर्श नस्य की तरह तो मैं अनुतेल दी थी वो पेशेंट्स को, तो 4-4, 4-4 drops डालते बड़ा। आपके पास सरसों का तेल मिलेगा क्या? सर सरसों का तेल है सर। तो सरसों का तेल का नस्य दीजिए ना 5-5 ml। ओके सर मतलब अभी कल अभी 5 दिन आज शाम को नहीं दे सकती हैं अभी रात को? नहीं सर वो अभी नहीं आ सकते, तो कल मैं शीरबला से कंटिन्यू करूं, मुझे वही डाउट था कि अगर मैं साइनोसाइटिस है तो सरसों का तेल दीजिए, तीक्ष्ण वाला बचा तेल, ज्योतिषमती तेल या अनुतेल का भी दे सकती हूँ। हाँ लेकिन ज्यादा मात्रा में देना पड़ेगा आपको। हाँ सर मतलब एक 5-5 ml दे दूं 15 ml का आपको वो है ना ड्रॉपर वो पूरा नाक में डाल दीजिए, एक नेजल ड्रॉप में सर दोनों नॉस्ट्रिल्स में एक बार में 15 ml। अच्छा एक नॉस्ट्रिल में? हाँ दोनों नॉस्ट्रिल में 15 ml डाल देना।
टू नॉक हो गया। किसी ने फोन किया कि सर दो नॉस्ट्रिल में नस्ते देना है क्या, मैंने कहा दो ही नॉस्ट्रिल भगवान ने दिए, चार नहीं दिए, दोनों में मुझे वो डाउट था कि 15-15 मिल डालना है या नहीं, एक बार में 15 ही इंसान ले सकता है। ओके 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 ठीक है सर। हाँ तो फिर सर फिर मैं शीर वाला अभी डिस्कंटिन्यू करूँ फिर? हाँ, और ये और डिक्शनरी से... जैसे अणु तेल या षडबिंदु तेल या सरसों का तेल ऐसे स्ट्रॉन्ग। और एक ना डॉक्टर कुलभूषण जी आए थे, उन्होंने बताया था कि उन्होंने षडबिंदु तेल का ज्यादा मात्रा में डाला था, पेशेंट को आधे घंटे में ठीक हो गए थे पूरा। मैंने भी 5-5 ml डाली हूँ सर, मैं फर्स्ट टाइम हूँ जो पेशेंट को 5-5 ml डाली हूँ नस्य। अदरवाइज आप 15 ml डालेंगी ना तो पूरा सिर में जाएगा, ब्रह्मरंध्र तक जाएगा, ब्रह्मरंध्र तक जाएगा, पूरा तर्पक कफ को क्लीन कर देगा। तो ये अभी ये जो सीजन है बहुत ज्यादा ठंडी है ना सर, तो मुझे लगा कि ये अपन ये शीर बला जो है पूरा गाढ़ा जम गया था जब मैं देते वक्त, ऑलरेडी उसको पूरा गर्म पानी में डाल के थोड़ा सा ये करके पिघला के दी हूँ। बृहद नस्य है, आपको ना शोधन नस्य देना है। शोधन नस्य देना है। ओके 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 ठीक है सर। बोलते हैं हाँ सर, तो अनुतेली का ही दे देती हूँ ना सर फिर। अनुतेली का ज्यादा दीजिए। हाँ सर, आप हमें रिजल्ट कल बताएंगे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। सुबह और दो टाइम दीजिए, सुबह भी और शाम को भी। तो फिर मैं शाम के टाइम पे फिर से बुलाऊं सर उनको? हाँ शाम को बुला दीजिए ना, नस्य देने में कितना टाइम लगता है? नहीं मतलब मैं क्लासिकल वो पूरा मसाज वगैरह करके ले करिए ना, पैसा भी चार्ज करिए, पैसा भी कमाइए और ठीक भी करिए। हाँ सर, तो हाँ ठीक है सर, मैं बोल देती हूँ सर। नस्य का कितना चार्ज करते हैं सर? नस्य का आप कितना करती है श्वेता मैम? सर मैं तो पर डे सेशन के हिसाब से 800-1000 रुपीज करती हूँ सर, 5 days बोल देती हूँ उनको। हाँ, वो एक अनीता वशिष्ठ मैम बोल रही थी कि मैं 2000 रुपए लेती हूँ। सर मैंने अभी ही स्टार्ट किया है तो नहीं, यहाँ पे उतना ही देंगे सर। 800 के हिसाब से दो बार लेंगे 1600 हो जाएगा आपको। तो वही प्रॉब्लम है कि वो देने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रहे उसको। कोई बात नहीं, आप बोलिए कि मैं ठीक करके दे रही हूँ। हाँ सर, वही उसके इसके भरोसे पे ही आए तो वो थोड़ा सा कंप्लेन करे, तो मुझे लगा मैं कहीं गलत हूँ क्या। बोले मैं 7 दिन आपको दूंगी, पूरा आपका ब्रेन है वो क्लीन कर दूंगी मैं, तो अभी क्लीनिंग के लिए आप इतना नहीं दे सकते है क्या? नहीं, दे सकते सर, दे सकते हैं। तो उनको ऑलरेडी गोल्ड शॉप है तो दे सकते हैं, कुछ नहीं प्रॉब्लम। हेलो जी बताइए। तो मैम ये इसके लिए साइनोसाइटिस के लिए कुछ अभ्यंतर औषधि नहीं दी क्या आपने? खाली नहीं सर, 2 महीने से दी हूँ उनको, बहुत ज्यादा फर्क है मैम। क्या लिया है मैम? उनको ये था कि एक बार मैं उनको सजेस्ट कर रही थी, एक बार क्लासिकल नस्य करे थे, टोटली रेडिकेट होता है। मैंने है ना मैम उनको है ना फर्स्ट 2 months के लिए षडबिंदु तेल दी थी इंटरनली इसे नस्य के लिए, और उसके साथ तालिसादी चूर्ण, श्वास कुटार, और उनको कफ भी था, बहुत ज्यादा कफ था, तो कफ केतूत भी दी हूँ, और अपने इसके लिए आरोग्यवर्धिनी और कामदुदवटी इतना दी हूँ मैम। और उनको थोड़ा सा मलबद्ध था तो एरंड ब्रुष्ट दी थी, जो स्टार्टिंग में सिर्फ स्वादु विरेचन दी थी जो उनको रिलीफ नहीं हुआ था, तो एरंड ब्रुष्ट हरितक की 2-2 tablets देने के बाद अभी उनको पूरा अच्छे से मोशन क्लियर है, और आरोग्य वर्धिनी का भी थोड़ा सा डोज बढ़ाई थी, तो सिम्टोमेटिकली दे आर वेरी गुड। बट मुझे क्लासिकल नस्य कराना था कि जो उनको ये 2-3 times ऑपरेट हो गया है फिर से ऑपरेट पे ना जाए और ये पूरा से ठीक हो जाए, तो उसके लिए मैं उनको क्लासिकल। हो रहा है क्यों हो रहा है? एक या तो आप अत्यंबु पान का होगा, ज्यादा ठंडा पानी पीना या पानी ज्यादा पीना। यस सर, मुझे यस सर, मैं वही उनको एक बार फिर से कल अच्छे से पूछती हूँ। तो मुझे वही था कि शीर बल्ला क्या मैं गलत कर रही हूँ या अनुतेल ही लेना शीर बल्ला है? हाँ सर, तो अपने साइन करना है। हाँ सर, तो अनुतेल इसके साथ में अगर आम पाचक वटी दिया ना तो जल्दी रिजल्ट आता है। हाँ आम पाचक वटी दीजिए ना श्वेता जी। ओके जी सर, जी सर, आपके आम पाचक वटी है सर मेरे पास, आप दीजिए ना, पूरा क्लेज निकल जाएगा, पूरा पानी पानी निकल जाएगा, तो अपने सर्दी में आराम पड़ेगा सर। एक 3-3 dose सर मैं आम पाचक वटी या 5-5 दे देना। मैं तो मनोज जी को 20-20 करके 80 गोलियां खिला रहा हूँ। और बाप रे, तो ठीक है सर। मैंने है ना इससे पहले एक पेशेंट को दी थी सर, लेकिन उसका बल बहुत कम था आम पाचक वटी आपका, तो 4-4 ही दी थी,
तो उसको है ना बहुत ज्यादा गैस बन रहा बोल के कंप्लेंट किए थे सर। नहीं तो तक्र, मतलब इससे कुछ तक्र देना चाहिए, हमेशा आम पाचक गोटी मेरा देंगे तो तक्र कंपल्सरी है। ओके सर, वो ने मैं नहीं बताई थी तक्र। ठीक है सर, मैं ये भी सर, अभी ये साइनसाइटिस को तक्र नहीं दे सकते ना सर? क्यों नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, दधी वर्जित रहे ना, मना किया तक्र, मना नहीं किया। तक्रम रुक्षम कषायमलम रुक्ष है वो। ओके सर, बिल्कुल पाचन कार्य करता है। ठीक है सर, मैं वो भी बोल दी सर। हाँ जी, वो पहली वाली केस के बारे में बोलना था सर, जो भी बताया था ना मैडम ने, एक केस डिस्कस किया था सर, जो कफज प्रमेय है सर, जिसके सिक्ता सांध सुधा ये जो प्रकार है ना सर, उसके संप्राप्ति में जो इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ी सी अलग रहती है, लेकिन एक वातज प्रमेय केस में जब प्रकोपित कफ प्रकोपित पित्त और वायु के साथ में आवरण जन्य संप्राप्ति में मेद को भी दुष्ट करता है, तब कफज जो प्रमेय पैदा होते हैं ना सर, उसमें ऐसा लक्षण दिखता है। शायद मैडम चाइल्ड बोली है, चाइल्ड अगर चाइल्ड होगा ना सर, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ऑल्सो इसमें ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट ये नजर आता है, जो इनडाइजेशन ऑफ डाइजेशन सिस्टम के इसमें जब लिम्फेटिक एब्जॉर्प्शन होता है ना, उस वक्त में सर वो सारे ड्रॉपलेट्स वगैरह निकलते हैं, तो उस वक्त में ये यूरिन रहता है। क्योंकि वो क्या बोली कि उनको हाथ से निकालना पड़ा, तो जब वो हाथ से निकालना पड़ा मतलब वहां पे वो ग्लोब्यूल्स या ड्रॉपलेट्स रहते हैं, तो ये संप्राप्ति कफज प्रमेय की बजाय जो ये इसका है ना, जो वाद्यजन्य मतलब कफ प्रकोप लेकिन आवरण जन्य संप्राप्ति जो पित्तवायु और मेद को लेके कफज प्रमेय पैदा करती है, तो ये उस टाइप में आएगा क्योंकि इसमें इंडाइजेशन रिलेटेड ये रहता है। तो हमको ट्रीटमेंट भी जो है सर कफज प्रमेय की तरह ही ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन आवरण जन्य संप्राप्ति पे इनको बहुत सिस्टमेटिकली ये करना पड़ेगा। शायद वो भी वजह है कि उनको पहले बहुत अच्छे से रिजल्ट मिला, आवरण शायद दूर हुआ होगा, लेकिन पूरी तरह से जो ग्रहणी पे है या कफज प्रमेय की जो संप्राप्ति वो भंग नहीं होगी, तो ये एक विचार कर सकते हैं सर। क्योंकि चाइल और चाइन ये अलग अलग, चाइन ये इनडाइजेस्टेड। ये मेरे को वो यूरिन का फोटो थोड़ा भेज दें और थोड़ा डिटेल में मुझे भेजे तो मैं अच्छे से बता पाऊंगा। नहीं, उन्होंने शायद यूरिन का रिपोर्ट बताया तो जिसमें चाइल प्रेजेंट है और प्रोटीन्स ने मुझे। हाँ मैम, मैम ये दो केस अलग अलग हैं, जो मैंने दूसरा काइल यूरिया का बताया ना, वो पेशेंट मतलब डायबिटिक नहीं है, वो सिर्फ उसको ये यूरिन मतलब वाइट यूरिन आने का प्रॉब्लम है, और जो डायबिटिक पेशेंट है वो दूसरा पेशेंट है। हाँ मैम, तो ये जो चाइल्ड वाला पेशेंट है ना जिसकी यूरिन में ये वाइटिश ये है, इवन ये भी कफजन्य ग्रहणी से आगे कफज प्रमेय की तरफ ही जाता है, आप वो उसका गाइडलाइन, बिकॉज जस्ट उसमें चाइम और चाइल्ड में मैं कंफ्यूज थी तो बाद में मैंने फिर से कंफर्म किया। हाँ, तो वो ये सारे संदर्भ में लिखा हुआ था काइल यूरिया, जो उनकी रिपोर्ट थी ना। हाँ, काइल यूरिया ये हमारे जो कफज प्रमेय डेवलप होते हैं जहाँ पे आवरण जन्य संप्राप्ति कफज की रहती है, वहाँ पे कंजुगेशन पित्त वायु प्रकोपित वायु और मेद ये तीनों की संप्राप्ति इन्वॉल्व होती थी, उसको आप ये कर सकते हैं। बाकी डायबिटीज का तो जैसे सर ने बताया वैसे एकदम परफेक्ट आपका ये कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, एक डॉक्टर विश्वनाथ जी कुछ बोलना चाहते हैं। सर प्रणाम सर, आप प्रणाम सर। सर एक्चुअली एक केस आया था आज, उसको पॉली यूरिया था सर, सिर्फ सुबह सुबह ही होता है, सुबह से रात तक होता है, उसको ज्यादा यूरिन होता है, दिन में 20 बार जाना पड़ता है, बट रात को कुछ भी नहीं होता है, आराम से सो जाता है जी। और उसको थोड़ा अम्ल पित्त का लक्षण भी है सर उसके साथ। उसका हिस्ट्री लेने के बाद पता चला कि वो टोबैको च्यू करता था, जब भी वो टबैको च्यू करना बंद किया तब से ये शुरू हो गया, और अभी टबैको च्यू किया तो ये कंट्रोल में रहता है। और एक बात है, इसके साथ 20 साल से पहले उसको हाई ग्रेड फीवर हुआ था, वो ब्रेन फीवर बोल रहा था, उसका रिपोर्ट नहीं लाया था सर, वो एक महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, वो ट्रीटमेंट लेने के बाद में ही उसको फीवर कम हो गया, वो ठीक हो गया, मगर ये पता नहीं चल रहा है कि वो टोबैको च्यू करने के बाद ये यूरिन कैसे कंट्रोल हो जाता है। मैंने तो उसको रक्त पाचक वटी, मेदो पाचक वटी और चंद्रप्रभा वटी दिया है अभी, तो ये कैसे सॉल्व करना है। कभी कभी साइकोलॉजिकल भी रहता है कि माइंड में ऐसा सोचते हैं इसलिए ऐसा हो जाता है। हाँ ओके सर, ऐसे भी हो सकता है। अभी पोलियोरिया होते हैं। ओके सर, और एक उसको पूछा मैंने, अभी आप पहले वेग धारण किया था क्या? ऐसा नहीं, उसको वो भी हिस्ट्री नहीं था,
अभी तो उसको जब क्लिनिक में बैठा था, एक घंटा तक क्लिनिक में बैठा था, उसका यूरिन का अर्जेंसी हुआ था, फिर भी वो सह पा रहा था कि उसको कंट्रोल में था। अभी एक घंटे तक सह सकता हूँ, मगर दिन में 20 बार हो जाता है ऐसा। अच्छा जी, आम का लक्षण भी होता है और कहना सर? आम का लक्षण के वजह से भी पॉलीयूरिया होता है। हाँ सर, इसलिए मैं ऐसा ही समझ के उसको रक्त पाचक और मेदो पाचक ओटी और चंद्र प्रभा ओटी दिया हूँ सर अभी। हाँ तो अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ सर, मैं ओके सर, मुझे यही डाउट था वो टबैको च्यू करने के बाद कंट्रोल कैसा होता है वो मन का माइंड पे। वो जो लोग टबैको खाते हैं तभी उनको पोषण ये पॉटी का प्रेशर आता है, मोशन का प्रेशर आता है, तो वो कुछ ना रिजल्ट। हाँ, बोलते हैं हम तंबाकू खाते हैं तभी हमारा दिमाग चलता है, साइकोलॉजिकल रहता है। Absolutely, sir. हाँ, sir. वो भी सही है सर। बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं जब हम सिगरेट पीते हैं सुबह तभी हम मोशन को जाते तक नहीं होता है। हाँ, तो वो माइंड और ये एडिक्शन इसका संबंध होता है। हाँ सर, वो निकालने के लिए कुछ दवाई आप क्या करिए कि आधा टोबैको और आधा बेहड़ा चूर्ण जो रहता है बीपी तक वो दे दीजिए, धीरे धीरे करते हुए बेहड़ा चूर्ण भी दीजिए और वो तंबाकू छूट जाए। ओके सर, अगर वो छोड़ना चाहेगा तो, अगर नहीं छोड़ना चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं सर, वो छोड़ दिया था सर, अभी बीच में सिर्फ ट्राई किया है वो ऐसा बीच-बीच में, उसमें ऐसा महसूस हुआ उसको। तो आप फिर बोल देता हूं, दे देंगे वो वैसे ही लगता है सेम। ओके सर, हां। और डॉक्टर आरती शर्मा जी, आप थोड़ा वो डिटेल में केस बताइए ना, मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। मुझे ना केस अच्छे से समझ में, आपने सारा मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन वगैरह बताया, मुझे थोड़ा फोटो भेजिए वो यूरिन का, पेशेंट का, और थोड़ा डिटेल में बताइए सारे सिम्टम्स, तो मैं आपको, मेरे को व्हाट्सएप करिए, फिर मैं बताऊं, समझ लूंगा, फिर मैं यहाँ बताऊंगा क्या हो रहा है। ओके सर, मैंने उसको 5 दिन बाद बुलाया है पेशेंट को, तो मैं उसकी रिपोर्ट वगैरह की सारी फोटोज लेकर के मैं आपको भेजूंगी सर। अच्छे से सॉल्व करेंगे ना? जी सर जी, ठीक है। तो अंजना मैम जी, हम सेशन बंद करें क्या? डॉक्टर अंजना मैम, शायद मैम सुन नहीं रही हैं, हम सेशन बंद करते हैं। सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि। जी सर, थैंक यू सर। सर टाइम हो गया, इसलिए मैं अंजना मैम ही होस्ट हैं। सरसों का तेल? हाँ बोलिए बोलिए सर। सरसों का तेल 15 ml देना है सर? मैं तो देता हूँ, मैं कोई भी नस से 15 ml से कम नहीं देता हूँ, धारा नस से देता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। अंजना मैम आप ही होस्ट हैं, मैं चला गया था सेशन से, नेटवर्क प्रॉब्लम, आप ही बंद कर दीजिए। जी सर, प्रणाम सर, शुभ रात्रि सब लोग। जी सर, शुभ रात्रि, प्रणाम, शुभ रात्रि, प्रणाम सर।